अगर आप होंडा की कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दी कीजिए, क्योंकि होंडा की कार जनवरी से महंगी होने वाली है। दरअसल जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा कार्स की भारतीय सब्सिडियरी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड यानी HCIL ने जनवरी से अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है। इस संबंध में कंपनी ने सभी डीलर्स को जानकारी दे दी है। हालांकि कंपनी ने कीमत में बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की है। आपको बता दें, HCIL मौजूदा समय में देश में कॉम्पैक्ट सेडान होंडा अमेज से लेकर होंडा SUV CRV कारों की बिक्री करती है। होंडा की एंट्री लेवल कार अमेज की कीमत 6.17 लाख रुपए से शुरू होती है, वहीं एंट्री लेवल प्रीमियम SUV CRV की कीमत 28.71 लाख से शुरू होती है। जानकारी के अनुसार इनपुट कॉस्ट में दबाव और करेंसी के प्रभाव के कारण कंपनी को कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लेना पड़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो नए साल में खरीदी गई होंडा की कार आपको महंगी पड़ सकती है। आपको बताते चलें, कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला केवल होंडा ने नहीं लिया है, बल्कि पिछले सप्ताह ही कार निर्माता कंपनी रेनो इंडिया भी जनवरी से अपने सभी मॉडल पर कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर चुकी है। जानकारी के अनुसार कंपनी अपनी सभी कारों पर 28,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। कंपनी रेनो क्विट, डस्टर और ट्राइबर नाम से कारों की बिक्री करती है। कंपनी का कहना है कि ये बढ़ोतरी सभी वेरिएंट और प्रोडक्ट्स पर लागू होगी। इससे पहले मारुति सुजुकी, फोर्ड इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर चुकी है। साथ ही देश की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने भी वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2021 से कंपनी के सभी दोपहिया वाहनों की कीमतों में 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए जल्दी कीजिए, कहीं कार खरीदना महंगा ना पड़े।